गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बुरखे में कैटवॉक करने पर भड़के जमीयत उलमा के मौलाना मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला बताते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रैंप वॉक चर्चा में बना हुआ है। हुआ ये कि श्रीराम कॉलेज में बुरखा नशी लड़कियों ने कैटवॉक किया, जिसका जमीयत उलमा ने घोर विरोध किया है। जमीयत उलमा ने इसे सरासर गलत ठहराते हुए मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला बताया है। जमीयत उलमा ने ये स्पष्ट किया है कि बुरखा किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय फैशन कार्यक्रम में रविवार की शाम रैंप पर मॉडल्स और छात्राओं ने कैटवॉक किया। जमीयत उलमा के मौलाना मुकर्रम काजमी ने बुरखे में कैटवॉक को मुस्लिम की भावनाओं को भड़काने वाला बताते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित ना कराए जाएं, इस तरह की भी चेतावनी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बुरखा किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है, बल्कि बुरखा मुसलमानों के पर्दे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मुकर्रम कासमी क्या बताया है, सुनिए। जी, मेरा नाम मौलाना मुकर्रम कासमी, कन्वीनर जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर। श्रीराम कॉलेज में एक फैशन कॉम्पिटिशन हुआ है, जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने बुरखा पहनकर रैंप वॉक किया है। कितना सही मानते हैं मजहब के हिसाब से? देखिए, जो फैशन शो हुआ है और उसमें बुरखे का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सरासर गलत है। ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है और हम इसका पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा इसकी मजम्मत करती है। और एक बात हम आपको ये बता दें कि जो बुरखा है वो किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी भी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। फैशन शो के लिए और बहुत सारी चीज़ कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुरखा उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने पहली बार देखा है। इसी तरीके से जो कॉलेज वाले हैं, जो श्रीराम कॉलेज वाले हैं या और दूसरे कॉलेज वाले हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आइंदा कभी भी आपने किसी भी धार्मिक भावनाओं को, खासतौर से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, तो जमीयत उलमा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। तो अब जिन लड़कों ने ये बयान दिया है कि हम जो है फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं और फैशन शो बुरखाई फैशन शो है, वो सरासर गलत है। वो दूसरों की भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और आइंदा ये अपील करती है जिम्मेदारान से, स्कूल के जिम्मेदारान से, कि आइंदा वो ऐसे शो ना कराएं। इसी तरीके से मालूम हुआ है कि वहाँ पर चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, मुसलमानों की बात तो आ गई है, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो, उनके साथ भी एक नंगा नाच किया जा रहा है। जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देने के लिए भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए, समाज सुधार के लिए भेजते हैं, उन बच्चों को वहाँ नंगा नाच करके, बिल्कुल नंगा नाच करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को एक बच्ची ख़राब हो जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो स्कूल प्रशासन है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा? जो श्रीराम कॉलेज वाले हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा? स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख कर काबिल अफसर बने, काबिल वकील बने, काबिल ग्रेजुएट बने, इसलिए स्कूल में भेजे जाते हैं।
आप जो है उन बच्चों को फैशन शो करवा रहे हैं, आप जो है उन बच्चों को जो है नंगा नाच करा रहे हैं, उन बच्चों से नंगा नाच करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उन फैशन शो दिखा रहे हैं, उन आने वाली नस्लों पर, उन छोटी नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित होंगे? हम समझते हैं वो बिल्कुल भी आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित नहीं होंगे। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और ख़ास तौर से श्रीराम कॉलेज के जिम्मेदारान से ये अपील करती है कि अगर आइंदा आपने किसी भी मजहब से इस तरह की किसी की मजहब को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो जमीयत उलमा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।